महाराष्ट्र के लोक जीवन और सभी जनजातियों में सदियों से प्रचलित गोंधल आज भी यहाँ के जनजीवन और धार्मिक परंपरा के अभिन्न अंग के रूप में स्थापित है। गोंधल देव पूजा और नाट्य प्रस्तुति का मिश्रित धार्मिक कला रूप है। गोंधल ये तो महाराष्ट्र का फोक फॉर्म है। गोंधल दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, दो भाग उसके मुख्य दो भाग हैं। तो पहला भाग बोलते हैं उसको पूर्व रंग बोला जाता है और दूसरा भाग है वो उत्तर रंग। पूर्व रंग यानी पहले भाग में विधि अर्थात पूजा, घट स्थापना, पांच पावली, गणेश स्तुति व देव आह्वान किया जाता है और बाद में उत्तर रंग में नाट्य का स्वरूप दिया जाता है। उत्तर रंग अर्थात दूसरे भाग में किसी पौराणिक कथा अथवा रामायण महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में से किसी प्रसंग को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अरे पहला प्रथम ही मुरारंभी आधी नमन त्या गनाला करतो विनंती रे द्यावी मती गुण गायला आहो कर जो हो ढोली करतो विनंती द्यावी मती गुण गायला आदि माया सरस्वती शक्ती तू जर होशील प्रसन्न शाही राज्य को तुझ्या कृपे वेग शाही राज्य को गोंधल कब किया जाता है? तो गोंधल जिनके घर में लग्न कार्य है जनरली मराठा कास्ट और दूसरा ब्राह्मण कास्ट उसमें ज्यादा गोंधल की प्रथा है। शुभ कार्य का कोई भी अवसर हो, ब्याह शादी या उपनयन संस्कार आदि, महाराष्ट्र की सभी जातियों के लोग गोंधल का आयोजन विशेष रूप से करते हैं। लेकिन मराठा और ब्राह्मण समाज में तो कोई भी शुभ कार्य गोंधल के आयोजन के बगैर संपन्न ही नहीं होता। ये अपना महाराष्ट्र में ये लोक कला प्रकार शादी का टाइम में ये गोंधल पूजा होता है और फिर बाद में ब्राह्मण समाज में बच्चा लोग का मुंज होता है, वो मुंज का भी ऐसा प्रोग्राम करना पड़ता है। फिर बाद में नवरात्रि में जो नौ दिवस नवरात्रि चलता है उसमें भी अपना देवी का गोंधल हो जाता है। परंपरा ऐसे भी है कि जिसमें बटू मतलब जिनमें ब्राह्मण लोगों में कैसे रहता है जिसमें मुंज हो गया मतलब मुंडन हो गया बच्चे का और उन्होंने बटू करके उन्होंने थ्रेड पहना दिया उसको तो फिर फर्स्ट वो देवी का स्तवन करेंगे। तो अभी कैसे होता है तो ये तो दो
इम्पोर्टेंट है, मतलब थ्रेड सेरेमनी को इम्पोर्टेंट है और मतलब मुंजी में इम्पोर्टेंट है, और दूसरा गोंधल लग्न कार्य के का एक हिस्सा बन गया है, मतलब पहले भी था अभी भी है। जब किसी व्यक्ति को किसी शुभ कार्य या कभी कोई मन्नत पूरी होने पर अपने घर गोंधल करवाने की इच्छा होती है तो वो यानी यजमान गोंधली मुखियों को अपने घर आमंत्रित करते हैं और देवी की स्तुति करते हैं। गोंधल है वो पुरुषों के ही हाथों से ही किया जाता है। गोंधल की परंपरा है कि यह हमेशा पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। स्त्रियों या लड़कियों को गोंधल करने की अनुमति नहीं है, लेकिन स्त्रियों को गोंधल देखने की कोई रोक नहीं है, बल्कि वे बड़े चाव से गोंधल देखने का आनंद लेती हैं। पहले तो लड़कियों के लिए गोंधल आयोजित करने की भी परंपरा नहीं थी, पर समय के साथ परिवर्तन आने से अब लड़कियों के लिए भी किसी विशेष अवसर पर गोंधल का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद एवं परभणी जिलों में काले रंग के ऊनी कपड़े का मंडप तैयार किया जाता है, इसे घोगंडी कहा जाता है। इस मंडप के नीचे घट स्थापना की जाती है, मंदिर का रूप देकर रंगोली सजाई जाती है, मंदिर की पूजा की जाती है। इसके साथ ही जिस दिशा में यजमान के भगवान का मंदिर होता है, उस दिशा में घर की चौखट पर या आंगन में थोड़ा बाहर आकर नमस्कार व पूजा की जाती है। यजमान गोंधली के साथ उसी दिशा में पांच पावली यानी पांच कदम चलते हैं और भगवान को नमन करके घर वापस आते हैं। फिर चौरंग पर गेहूं या चावल से चौकट तैयार किया जाता है। इसके ऊपर एक कलश में नारियल और कलश के पास नागवेली या आम के पत्ते रखे जाते हैं। फूलों से चौरंग को सजाया जाता है। घट स्थापना के पश्चात सबसे पहले गणेश स्तुति की जाती है। भारतीय संस्कृति में गणेश वंदना हमेशा ही प्रथम अधिष्ठान होता है। इसके बाद 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। साधिके चरणे त्रिमक्के गौरी नारायणे नमस्ते। पूजा संपन्न होने के पश्चात यदि शादी ब्याह के अवसर पर किए जाने वाला गोंधल है तो मुख्य गोंधली नवविवाहित वर और वधू को बुलाकर घट स्थापना के बाजू में बिठाते हैं और उन्हें दियो यानी लैंप्स में तेल डालने के लिए कहा जाता है। जब तक दो दीपक प्रज्वलित रहते हैं तब तक गोंधल किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ की धार्मिक परंपरा का संकेत है। गोंधल दो शब्दों गोंद यानी सैनिक और दल यानी ग्रुप या समूह से मिलकर बना है। इसीलिए गोंधल करते समय उस परिवार या कुटुंब के सभी लोग उस जगह एकत्रित हो जाते हैं। इससे परिवार में एकता की भावना भी पैदा होती है। पूरे महाराष्ट्र में जो गोंधली लोग हैं उनका जो गाने का स्टाइल है वो सब एक ही रहता है। इसमें मुख्य रूप से तीन वाद्यों का ही प्रयोग होता है, संबल, तुनतुना और मंजीरा। गोंधल करते समय गोंधली समुदाय के लोग गले में कबड़ी की माला पहनते हैं। गोंधल मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है, कदम राई और दूसरा रेणु राई।
कदम राई गोंदली भवानी माता के और रेणु राई गोंदली रेणुका माता के उपासक तथा अनुयायी होते हैं। कदम राई गोंधल के मुख्य गोंधली को सरदार या मुखिया कहा जाता है और इसका पहनावा अन्य गोंधली लोगों से भिन्न होता है। कदम राई मुखिया अंगरखा पहनते हैं जो 60 मीटर कपड़े से तैयार किया जाता है। मुखिया के गले में रानी रंग का शीला रहता है और ऊपर का वस्त्र भी सफेद रंग का ही होता है। मुखिया अपने अंगरखे का प्रयोग कई बार कथा या प्रसंग समझाने के लिए भी करते हैं। अंगरखे को गोल गोल घुमाते हुए कभी हाथ में लेकर छोटे बच्चे के रूप में पकड़ लेते हैं तो कभी सिर पर ओढ़कर महिला जैसा रूप धारण करते हैं। कदम राई गोंधल के इतिहास में श्री राजा राम बापू का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र के परभणी जिले की पहचान कैलाशवासी कदम राई गोंधली राजा राम बापू कदम के नाम से संबोधित हो गए हैं। गोंधल प्रदर्शित करने की अनुपम शैली के कारण महाराष्ट्र में इन्हें गोंधल महर्षि और गोंधल सम्राट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गोंधल कला का प्रदर्शन केवल भारत के अलग अलग प्रांतों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया है। विशेषकर फ्रांस के आईफेल टावर के नीचे इन्होंने गोंधल का प्रदर्शन किया। कदम राई में डांस रहता है, वो हमेशा गेस्चर ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं तो ऐसे सम पे छोड़ देंगे। मृद ये अपना उनका संबल बजा, संबल का बहुत मतलब फास्ट बजा है और जिसको सम पे लाना है, मतलब अभी रुको ऐसे करना है, तो वो सरदार बोलेगा ऐसे, तो मतलब अभी सम कर दो उसका ऐसे, तो वो गेस्चर ज़्यादा रहते हैं, वो कदम राई में रहते हैं। कदम राई गोंधल की तुलना में रेणु राई गोंधल में ज्यादा नृत्य नहीं होता। इनके मुखिया का पहनावा भी विशेष नहीं होता। वे सफेद रंग का झब्बा पहनते हैं और नीचे सलवार। इनकी पगड़ी का रंग प्रांत विशेष के अनुसार अलग अलग होता है। ये जो पगड़ी रहता है हमारा, फिर बाद में ये अंगरखा रहता है और ये पट्टा रहता है, फिर ये कौड़ी, ये इसमें 64 कौड़ी है, उसमें माल बनाता है, ये गले में डाल के हम ये गोंधल विधि करता है। ये कुमकुम लगाता है हमको, ये हमारा देवी का निशानी है कुमकुम, और ये किला बताए खंडेराव का निशानी। गोंधल समाप्ति के पूर्व हाथ में दिए लेकर वे घट के बाजू में गोल गोल घुमाते हैं और कभी कभी आरती उतारने जैसी कंधों से हरकत करते हैं। फिर बाद में थोड़ा उसमें डांस में उन्होंने थोड़ा से चेंजेस लाए, अभी वो बैठ के का ही मूवमेंट्स करते हैं जो गोल गोल घूमते हैं, दूसरा खड़े रह के गोल गोल घूमते हैं, आजू बाजू में देख के एक दूसरे को नेक मूवमेंट करके वो मूवमेंट है, दूसरे ऐसे बैठ के गिरकी मार के जैसे आकाश भ्रमणी बोला जाता है वैसे वो गोल घूमते हैं, तो अभी अलग अलग चेंजेस जैसे आए हैं उन्होंने डांस में दिए हैं। कदम राई और रेणु राई के अलावा महाराष्ट्र में गोंधल एक और समुदाय के लोगों द्वारा भी किया जाता है जिन्हें भोपे कहा जाता है। इस समुदाय के पुरुषों को बचपन में ही देवी को अर्पित कर दिया जाता है। ये किसी भी समाज के हो सकते हैं पर ये गोंधली समाज के वंशज नहीं होते। इन भोपे लोगों को किसी के घर में गोंधल करने की अनुमति नहीं होती। ये केवल देवी के मंदिर में ही गोंधल कर सकते हैं। इनका गोंधल प्रदर्शित करने का अलग अंदाज रहता है। इनके हाथ में कांकड़ा रहता है जो गोंधल करते समय हमेशा जलता रहता है। गोंधल समाप्ति से पूर्व बुझाया नहीं जाता। भोपे लोगों का पहनावा सफेद या लाल रंग का होता है। ये लोग गोंधल करते समय हमेशा सिर पर त्रिकोण आकार की कवड़ी वाली टोपी और गले में देवी का गुलाल रखने वाली झोली रखते हैं।
महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोंधल कला को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद भी ये गोंधल परंपरा कुलाचार व कुला धर्म के रूप में निरंतर विद्यमान है। इक्कीसवीं शताब्दी में गोंधली समाज के वंशज अपनी कला जीवित रखने और दूर दूर तक लोगों को पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारा आजोबा था, पिताजी था, हम जब भी बच्चा था उसका साथ में हम सीख गया ये बजाने का, और वो कैसा बोलता है क्या करता है वो सब मैं समझ के लिया, फिर हमारा ये प्रोग्राम चालू किया। फिर बाद में हमारा पीढ़ी और हमारा बच्चा भी अभी हमारा साथ में रहता है और वो भी ये गोंधल का काम करता है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार व पीढ़ी दर पीढ़ी गोंधली व विशेष रूप से संबल बजाने की सिखलाई देकर इस धार्मिक व लोक परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो गोंधल है पूरा महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी किया जाता है। ये पिताजी ने मेरे को ये सिखाया है और उस रास्ते पे ये हमने ये गोंधल विधि शुरू किया है। कई सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों में इसका विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। जब भी तक चंद्र सूर्य रहेगा तभी तक ये गोंधल कुलाचार ये चालू ही रहेगा अपना महाराष्ट्र के अंदर। वर्तमान में धार्मिक प्रसंगों व पौराणिक कहानियों के नाट्य प्रदर्शन के साथ साथ समाज सुधार व नैतिक शिक्षा जैसे विषयों को भी विशेष रूप से महत्व दिया जा रहा है।